आप देख रहे हैं हिमानिनी टेलीविजन, आपकी आवाज सबकी आवाज। नमस्कार, हिमालिनी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मेरठ में लॉकडाउन के दौरान नहीं मिलेगी कोई भी छूट और बढ़ेगी सख्ती। लॉकडाउन 2 में मेरठ और मेरठ के आसपास के जिलों को फिलहाल कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। मेरठ के रेड जोन में होने के साथ साथ बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने बताया कि मेरठ मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ व गौतम बुद्ध नगर में अगले आदेश तक कोई नई गतिविधि शुरू नहीं हो सकेगी। लॉकडाउन के दौरान जिन आवश्यक सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं के जुड़े उद्योगों की को जो अनुमति दी गई है वह यथावत रहेगी। डीएम मेरठ अनिल डिंगरा ने बताया, लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालयों में जिस तरह अभी तक काम चल रहा है वैसे ही जारी रहेगा। किसी अन्य कार्यालय को आमजन के लिए खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्र के निर्देश के बाद आधी रात से टोल वसूली शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में उद्यमियों के साथ हुई बैठक में डीएम ने कुछ उद्योगों को सशस्त्र खोलने की अनुमति देते हुए फार्म भरने को कहा। उद्यमियों ने सोमवार को बैठक के बाद ही निर्णय लेने की बात कही। सहारनपुर के डीएम अखिलेश कुमार ने बताया कि जिले में कोई नई गतिविधि शुरू नहीं होगी। डीएम शामली जसजीत कौर ने बताया कि जिले में यथास्थिति रहेगी। बिजनौर के डीएम रमाकांत पांडे ने भी स्पष्ट किया कि जिले में कोई नई गतिविधि शुरू नहीं की जाएगी। एक बार फिर आपको बता दें किन किन जिलों में गतिविधि नहीं जारी रहेगी, यथावत स्थिति रहेगी। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, शामली, बिजनौर, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, ये वो जिले हैं जहां पर कोई छूट नहीं मिलेगी और सख्ती भी बढ़ सकती है। बने रहिए हिमालिनी के साथ। आप देख रहे हैं हिमालिनी टेलीविज़न, आपकी आवाज़ सबकी आवाज़।